कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करने वाला यासीन मलिक को विशेष अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि एनआईए ने इसके लिए फांसी की सज़ा की मांग की थी, लेकिन उसे टेरर फंडिंग के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन अब भी उसकी फांसी की सज़ा की मांग चल रही है, जिसके लिए ऊपरी अदालत में जाया जा सकता है। इस बीच यासीन मलिक के अलावा दूसरे कश्मीरी आतंकवादियों को सज़ा दिलाने की मुहिम चल रही है, जिन लोगों के कारण कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ। हाल ही में कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को दिखाने वाली एक फिल्म आई, द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स में बिट्टा कराटे से लेकर यासीन मलिक की ज्यादतियों को दिखाया गया है। साथ ही राजनीतिक नेतृत्व पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस फिल्म ने पूरे देश में कश्मीरी हिंदुओं के लिए न्याय की आवाज़ को बुलंद किया और यासीन मलिक को हुई सज़ा के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इसे कश्मीरी हिंदुओं को मिलने वाले न्याय की एक पहल बताई है। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की सराहना करते हुए अपनी राय व्यक्त की। यासीन मलिक की सज़ा को लेकर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यह तो बस शुरुआत है। जब तक यासीन मलिक और बिट्टा को फांसी नहीं दी जाती, हम राइट टू जस्टिस के लिए अपनी लड़ाई को रोकेंगे नहीं। निर्णय की सराहना करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि यह महान निर्णय, यह सभी कश्मीरी हिंदुओं के लिए खुशी की क्षण है। राइट टू जस्टिस के हमारे अभियान में एक मील का पत्थर। साथ ही विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म की एक क्लिप भी शेयर की और लिखा, हमने यासीन मलिक के मानस को समझने में सालों बिताए, आज कोर्ट में उन्होंने यही कहा। सेकुलर लॉबी को कड़ा तमाचा। दरअसल यासीन मलिक ने कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उसने आतंकी संगठन बनाकर हिंदुओं को डराया, धमकाया और कई लोगों की हत्या की। कश्मीर में जिहाद के नाम पर उसने अराजकता का माहौल पैदा किया, लेकिन बाद में उसने हथियार डाल दिए और अलगाववादी नेता बन गया। कश्मीर की सरकार ने उसके गुनाहों को छुपा दिया, लेकिन साल 2017 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के केस में यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया, उसके पाकिस्तान और आतंकवादी कनेक्शन को लेकर सबूत दिए। साल 2017 से यासीन मलिक जेल में है और आखिरकार एनआईए की विशेष अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट में यासीन मलिक ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उसे फांसी भी हो जाती है तो वह माफ़ी नहीं मांगेगा। उसने पिछले 28 साल से किसी आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं होने की बात भी की, लेकिन आतंकियों को हथियार सप्लाई करने, पाकिस्तान के साथ संबंध होने और आतंकवादियों के लिए फंड एकत्र करने के कई सबूत एनआईए के पास है, जिसके कारण उसे कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। उसकी सज़ा को लेकर पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है, जबकि कश्मीरी हिंदुओं के लिए न्याय की मांग करने वालों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि यासीन मलिक ने घाटी में जो तबाही मचाई थी उसके लिए उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।